आइए आज हम ओजी पिंज का सर्वनाम या ओजी पिंज का हर्बोनाम या प्रोनाउन का दूसरा भाग देखते हैं और पढ़ते हैं और सीखते हैं। आस, आस का मतलब वाह, आसामीस में आस तेखेत और इंग्लिश में ही। आद, आद मन मन मतलब वाह, या आसामीस में ताई या त्यों और इंग्लिश में सी। और उसके बाद है हुस, हुस मतलब वाह, बा आसामीस में हु त्यों या इंग्लिश में ही। ये है हुद, हुद मतलब वाह या आसामीस में ताई और इंग्लिश में सी। ये है ईर, ईर का मतलब है ये सब या ही होत और इंग्लिश में दे, आसामीस में ही होत या ही होते ईर। उसके बाद है आर, आर मतलब ओ सब या असमिस में ही होत बा तेकेत हो कॉल और इंग्लिश में दे। उसके बाद है हूर, हूर का मतलब भी वही है ओ सब व असमिस में ही होत बा तेकेत हो कॉल और इंग्लिश में दे। अभी आते हैं ही इसके लिए और हर के लिए, जैसे कि आस गही या हुस गही। आस गही कहने से इसका और हुस गही कहने से उसका और असमिस में तेखेतोर और इंग्लिश में बोलने से हीस। तो अच्छा से देखिए और आप जो भी ये देख रहा है या सुन रहा है ये सब लिख लो, जो भी पढ़ाया जा रहा है इसको अच्छा से लिख के बाद में प्रैक्टिस करते रहना। इसके बाद है आदि गही या हुदी गही, जिसका मतलब है, जिसका हिंदी में बोलने से इसकी और उसकी और असमिस में बोलने से तायर या तेखेतोर, तेखेतोर व तायर और इंग्लिश में हर। तो अच्छा से लिख लीजिए और बार-बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, तभी आपको कुरुक सीखने को अच्छा से सीखना सीख पाएंगे। इसके बाद है आर गही या हूर गही या ईर गही, आर ईर हूर गही, इसका मतलब है इन लोग का या उन लोग का, या असमिस में आर गही या आर ही होतोर व तेखेतोर और इंग्लिश में बोलते हैं देयर। इसी को आर गही व हूर गही व ईर गही, इसी को और भी बोल सकते हैं, जैसे कि नीचे लिखा गया है बीच में ब्लू कलर में आर ही व हूर ही ईर ही, ऐसा ऐसा भी बोल सकता है। उसके बाद है आपका आरिन हूरिन व ईरिन, जिसका मतलब है इंग्लिश में देम, आरिन हूरिन इरिन, हिंदी में इसको बोलेगा इन लोग को बा उन लोग को। आरिन, आरिन मतलब उन लोग, हूरिन इन लोग या इरिन इन लोग को, और असम इसमें बोलेंगे हिहोतोक बा त्योलोकोक, हिहोतोक बा त्योलोकोक और इंग्लिश में उसी को देम बोलते हैं। तो ये भी लिख लीजिए और जो भी इस चैनल में नया है और इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पिछले मेरा वीडियो दिया गया है उन सब को देख लीजिए ताकि आप लोग अच्छा से कुरुक सीख सके। तो ये देख लीजिए, पहला है आसिन, आसिन आसिन के साथ ईसिन या होसिन, और सेकंड में है
आसी, आसी के साथ ये राइट साइड में ब्लू कलर में है, ईसी या होसी, जैसे कि आसीन, आसीन का मतलब हिंदी में होगा आपका इसको या उसको, ऐसा इसको या उसको, आसीन बोलने से उसको, और ईसीन बोलने से इसको, और या होसिन बोलने से इसको। तो इसी तरह आसामिस में होगा त्योक बा तायोक बा तेखेतोक, एनाका हबो। और इंग्लिश में तो हिम ही आएगा, एक ही आएगा हिम। और उसके बाद दिया है आसी, आसी के साथ आएगा ईसी या होसी, या आसी का मत, और एक शब्द भी बोल सकता है आस गही या होस गही या इस गही। तो इसको बोलेंगे इसका या उसका, और असम इसमें आसी, आसी या आस गही बोलने से त्योर बा तेखेतोर बा तायोर एनका होय। और इंग्लिश में हिम वही आएगा। और इसके बाद है आपका होदिन, होदिन दिया गया है, होदिन के साथ आएगा आपका आदिन या ईदिन, और इसका मतलब होगा हिंदी में इसको या उसको। और असमिस में आएगा त्योक बा तायोक बा तेखेतोर, ये सब आएगा। और असमिस इंग्लिश में तो वही आएगा हर। और आपका दिया हुआ है हुदी ही के साथ आएगा, ये राइट साइड रेड कलर में लिखा गया है, आदि ही इदी ही या हुदी गही आदि गही या इदी गही। तो इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग इसकी या उसकी। तो आदि ही बोलने से उसकी, और इदी ही या होदी ही बोलने से इसकी होगा, जैसे कि असमिस में तायोर बा तेखेतोर बा त्योर, और असम और इंग्लिश में तो वही आएगा हर। और इसको हम लोग सेंटेंस बना के देखेंगे तो अच्छा से समझ जाएंगे। जैसे कि आसीन, आसीन बोलने आसीन या ईसीन या हुसीन, इसको बोलने से हिम, हिम को जैसे कि इंग्लिश में बोलेंगे कॉल हिम, तो इसको कॉल हिम बोलने से आसीन मेखा या ईसीन मेखा या हुसीन मेखा। तो इसको हिंदी में बोलने से इसको बुलाओ या उसको बुलाओ। और असमिस में त्योक मोता या तायोक मोता, त्योक मोता बा ताक माता, एक ही है। और इंग्लिश में कॉल हिम। और जैसे कि दिया है आसी, राइट साइड में ब्लू कलर में दिया है ईसी या होसी, इसी को आस गही ईस गही होस गही, इसको हिंदी में बोलते हैं इसका उसका। जैसे कि हिम को जैसे कि हम लोग इंग्लिश में या हिंदी में जब सेंटेंस में बनाएंगे, इट बिलोंग्स टू हिम, जैसे सेंटेंस में बोलने से इट बिलोंग्स टू हिम, आसी गही ताली या ईसी ताली या होसी ताली या आसी ताली, और इसी को बोल सकता है आस गही ताली ईस गही ताली होस गही ताली, इट बिलोंग्स टू हिम। और हिंदी में इसको ये इसका है या उसका है, ऐसा एटू त्योर होय बा तेखेतोर होय एनेको कोवो पारे, और इट बिलोंग्स टू हिम। और नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए, नीचे नीचे वाला हुदीन, हुदीन के साथ आएगा आदिन या ईदिन, इसका मतलब होगा हिंदी में आप लोग देख लीजिए इसको उसको, ऐसा ही जैसे कि हुदीन, हुदीन बोलने से उसको, और आदिन बोलने से, ओ आदिन नहीं, हुदीन बोलने से इसको होगा आदिन या ईदिन उसको। और हिंदी में त्योक बा तायोक
तेखेतोक, तायोक बा तियोक बा तेखेतोक, और इंग्लिश में बोलने से हर, और इसी को सेकंड पार्ट है हुदी ही। हुदी ही मतलब हुदी गही, हुदी ही आदि ही इदि ही, ये सब होगा आपका इसकी या उसकी ऐसा। और असमीज में होगा त्योर बा तेखेतोर बा तायोर, और इंग्लिश में हर, जैसे कि सेंटेंस में बोलेंगे तो कॉल हर, जैसे कि कॉल हिम बोला था ना, ऐसे ही कॉल हर, कॉल हर बोलने से इदिन मेखा, अदिन मेखा या इदिन मेखा, इसको बुलाओ या उसको बुलाओ। और असमीज में त्योक माता या तेखेतोक माता व तायोक माता, और इंग्लिश में कॉल हर, और दूसरा भाग है हुदी ही। हुदी ही इसको, जैसे कि इट बिलोंग्स टू हिम, ईद हुदी गही ताली, या हु तो ईद अदी गही ताली या इदी गही ताली, इसी तरह हिंदी में ये इसकी है या उसकी है। और असमीस में ए टू तायर होय या तेखेतर होय बा त्योर होय एनेकवा, और इंग्लिश में इट बिलोंग्स टू हर। तो ये सब एक बार में समझ में नहीं आने से डबल डबल बार बार सुन लीजिए और अच्छा से देख लीजिए, ताकि आप लोग अच्छा से समझ सकें। और आज के लिए बस इतना ही है, तो आप सभी को निवेदन है कि जो भी नया है इस चैनल में और पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, मेरा वीडियो को, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाएगा बेल आइकन, और जिसमें आएगा ऑल तो उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको हम नए वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाएंगे। तो आप सभी को नमस्कार, जय धर्मे, जय गुरु, सबको धन्यवाद।